नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार, मैं हूं आदेशपुरी। बिहार सरकार ने शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। अब जो है प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में आपको बिहार का नागरिक होना आवश्यक हो गया है। अब जो है बिहार से बाहर वाले वे लोग जो कि यहाँ की नियोजन प्रक्रिया में भाग लेकर यहाँ पर शिक्षक बन जाते थे, उन्हें अब ये मौका नहीं दिया जाएगा, बल्कि ये नौकरी सिर्फ बिहार के लोगों के लिए किया गया है। इसके अलावा आपको बताते चले, एक कक्षा एक से लेकर पाँच तक TET और उसके समकक्ष जो भी जो वेटेज दिया जाता था उसे भी खत्म कर दिया गया है। बिहार सरकार ने कल ही इसको लेकर अधिसूचना जारी किया और जो भी पंचायत स्तर के जो शिक्षक होते थे और नगर निकाय के जो होते थे उन सभी के प्रक्रियाओं में काफ़ी चेंजेस किया है। आपको हम बताते चले कुछ इसमें कुछ बिंदु जो हैं जो चेंज किए गए हैं वो इस प्रकार है कि नए प्रावधान के तहत बनेगी मेरिट लिस्ट। मेरिट सूची में मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण के अलावा TET के 2 से 8% तक मिलने वाला ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, केवल TET उत्तीर्ण की अनिवार्यता रखी गई है। यानी कि जो पहले वेटेज आपको दिया जाता था मार्क्स का, मैट्रिक और इंटर का, वो खत्म कर दिया गया है और अब जो है TET उत्तीर्ण होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको टीचर बनने के लिए। इसके अलावा जो है कक्षा 6 से 8 तक मेरिट लिस्ट में पहले मैट्रिक, इंटर, स्नातक और BEd के मार्क्स जोड़कर TET के ग्रेस अंक जोड़े जाते थे। अब इस प्रक्रिया में मैट्रिक, इंटर और TET के ग्रेस मार्क्स हटा दिए गए हैं। तो ये जो ग्रेस मार्क्स की जो एक पद्धति चली हुई थी जिसको लेकर काफ़ी विवाद होता था उसे खत्म कर दिया गया है। अब जो है जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा उसी आधार पर आपको जो है उसमें आपको नियोजन प्रक्रिया में आपको भाग लेने का अधिकार दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो चेंज है वो शिक्षा विभाग ने किया है। और इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में अभ्यर्थी को बिहार का मूल नागरिक होना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले पूरे भारत में कहीं के भी अभ्यर्थी नियोजन प्रक्रिया में शामिल हो सकते थे। इसके अलावा कक्षा 1 से 5 तक TET और समकक्ष स्पर्धाओं में मिलने वाले वेटेज को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। और आपको बताते चलें कि शनिवार को ही अधिसूचित कर दिया गया इसे कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक प्रधान अध्यापक और शिक्षा अनुदेशक की नियुक्ति, प्रोन्नति, उनकी सेवा शर्त संबंधी नियमावली में किए गए हैं। शिक्षकों को 12 साल सेवा पूरी करने पर प्रोन्नति दी जाएगी और 15,000 रुपये प्रति माह वेतन के हिसाब से EPF के लिए सरकार जो है आवश्यक कार्रवाई करेगी और उन्हें देगी। आपको बताते चले जो भी उन्हें सैलरी बढ़ाई गई है सेवा शर्त में या सेवा शर्त की जो भी शर्तें हैं वो अप्रैल 2021 से लागू किया जाएगा। तो ये एक बिहार सरकार ने काफ़ी एक अहम फैसला लिया है। और वैसे जो अभ्यर्थी जो कि बिहार की नियोजन प्रक्रिया में इस कारण से बाहर हो जाते थे क्योंकि बाहरी छात्र जो हैं नियोजन प्रक्रिया में आकर अपनी जगह बना लेते थे, तो एक तरह से बिहार ने जो ये क्लियर कर दिया है किया है कि अब बिहार में जो शिक्षक जो हैं वो बिहार के ही बनेंगे। इसके अलावा आपको बताते चले कि BPSC और अन्य भी जो परीक्षाएं होती है उसमें भी जो बाहरी जो अभ्यर्थी हैं उनको समान मौके दिए जाते हैं, एक बिहारी की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो इसको लेकर भी जो छात्रों का जो मांग है, यहाँ के युवाओं का मांग है कि उसको भी ख़त्म किया जाए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही खबरें चली थी कि मध्य प्रदेश ने बाहरियों के लिए अपने राज्य की नौकरियों में 9 एंट्री लगा दिया है। तो इसी तर्ज पे बिहार को भी स्थानीयता को बढ़ावा देना चाहिए और ये नियम लागू करना चाहिए, ऐसी जो है युवा और छात्र मांग करते हैं। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बिहार के जो भी अहम एग्ज़ाम होते हैं उसमें ज़्यादातर जो अभ्यर्थी होते हैं वो बाहर के भी चले आते हैं। अभी हम बात करें BPSC की, तो BPSC में लगातार जो टॉपर बन रहे हैं वो बिहार से अलग हो रहे हैं, दूसरे राज्य के हैं, UP के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, हरियाणा के भी छात्र भी बिहार में टॉपर बनते हैं BPSC के। इस कारण यहाँ पर खुद जो है पहले से नौकरियों की कमी है और बाहरी छात्रों के आने से यहाँ पर नौकरियों की और ज़्यादा किल्लत हो जाती है। तो खैर, बिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा सुधार कर दिया है कि अब जो है आपको बिहार में शिक्षक बनने के लिए, खासकर प्रारंभिक शिक्षक बनने के लिए, आपको बिहार का निवासी होना ज़रूरी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।